मॉनसून शुरू हुए थोड़ा वक्त हो गया है, मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ इस वीडियो को क्रिएट करने में, बट क्योंकि मैं घर शिफ्ट कर रही थी तो मौका नहीं मिला वीडियो बनाने का। मैं आज आपको बता रही हूँ कि मॉनसून के सीज़न में आपको अपने बच्चे की मसाज किस तेल से करनी चाहिए, क्योंकि मॉनसून का जो सीज़न होता है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चिपचिप वाला होता है, तो इसमें बहुत सारे ऑयल्स ऐसे होते हैं जो कि आपको यूज़ नहीं करने चाहिए। कुछ ऑयल ऐसे होते हैं कि अगर आप उनको मॉनसून सीज़न में अपने बच्चे की मसाज के लिए यूज़ करते हैं तो उनसे बच्चों को रैशेस, दाने, एलर्जी हो सकती है। चलिए हम शुरू करते हैं फटाफट से कि कौन सा तेल जो है मॉनसून में बच्चों की मसाज के लिए सबसे बेहतरीन ऑयल है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। माई नेम इज़ दीक्षा, आई हैव अ 3-year-old डॉटर जिसको परवरिश करते हुए बहुत सारी रिसर्च की है, और वही रिसर्च से जो मुझे पता चलता है वो मैं आपके साथ में इस YouTube चैनल पे शेयर करती हूँ। सो बेसिकली मॉनसून के सीज़न में तेल का चुनाव करते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जो तेल है वो बहुत ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी का नहीं होना चाहिए, मतलब जाड़ा नहीं होना चाहिए। तेल पतला होना चाहिए, प्लस ऐसा होना चाहिए जो कि स्किन में या हेयर में एब्जॉर्ब हो जाए, बहुत ज़्यादा ग्रीसी ना रहे। अब ऐसे कौन से तेल होते हैं? ऑलिव ऑयल बहुत ही ज़्यादा थिक ऑयल होता है, कैस्टर ऑयल जनरली मैं बोलती हूँ कि अगर आप अपने बच्चे की हेयर ग्रोथ करना चाहते हैं तो कैस्टर ऑयल को मिला के लगाइए, लेकिन मॉनसून के सीज़न में कैस्टर ऑयल को आपको मिला के भी नहीं लगाना चाहिए। मॉनसून का ये जो 2 से 4 महीने का पीरियड रहता है, इस टाइम पे आपको कैस्टर ऑयल नहीं यूज़ करना चाहिए। एक तो ये थिक होता है, प्लस इसकी वजह से कई बारी रैशेज़ वगैरह भी हो जाते हैं। मेरी डॉटर को पर्सनली बादाम का तेल भी सूट बिल्कुल नहीं करता है मॉनसून के सीज़न में और गर्मियों के सीज़न में। 2 कारण हैं इसके, एक तो ये काफ़ी ज़्यादा थिक ऑयल होता है, काफ़ी ज़्यादा जाड़ा ऑयल होता है, मोटा तेल होता है, ये एब्जॉर्ब आराम से नहीं हो पाता, प्लस ये गर्म होता है थोड़ा सा, तो कई सारे बच्चों को गर्म तेल वगैरह इतने आसानी से सूट नहीं कर पाते हैं। मस्टर्ड ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल की जो क्वांटिटी है वो थोड़ा सा आप कम रखिएगा, मतलब तेल थोड़ा कम क्वांटिटी में लगाइएगा। ज़्यादा थिक तेल नहीं होता बट इतना पतला भी नहीं होता, तो इसलिए आपको क्वांटिटी पे इस पर लिमिट लगाना ज़रूरी है। उसके अलावा मॉनसून के सीज़न में आप सरसों का तेल जो है वो यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा गर्म करके, गुनगुना करके लगाएंगे तो और भी अच्छा जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और कोई भी ग्रीसीपन नहीं रहता है। जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है कोकोनट ऑयल। जो नारियल का तेल होता है वो स्किन में बड़े ही आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा प्लम बनाता है स्किन को, किसी भी तरीके की थिकनेस कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई गर्म नहीं करता है, किसी भी तरीके के रैशेस नहीं होते हैं। अगर आपके बच्चे को कोकोनट तेल लगाने के बाद में भी रैशेस हो रहे हैं तो आपको कोकोनट ऑयल भी नहीं लगाना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, मसाज कीजिए और उसके आधा एक घंटे बाद अपने बच्चे को नहला दीजिए और उसके बाद में कोई लोशन लगा दीजिए, मॉइस्चराइज़र लगा दीजिए। कोकोनट ऑयल या तेल मत लगाइए, क्योंकि कई बच्चों की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ज़्यादा ऑयली होती है, जिसकी वजह से और ऑयल को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। बट अगर 2 ऑयल जो पिक करने होंगे वो मैं कहूँगी कि आप कोकोनट ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं, ये दोनों तेल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। घी वगैरह से भी मैं मालिश करने के लिए मॉनसून सीजन में तो मना करूँगी, क्योंकि अगेन ये काफ़ी ज़्यादा थिक है, काफ़ी ज़्यादा ग्रीसी है, सो जस्ट अवॉइड दैट इन मॉनसून सीजन। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपका जो डाउट था कि मॉनसून में किस तेल से मालिश करनी चाहिए वो अभी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये जो डाउट है वो क्लियर हो गया है, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय एंड टेक केयर।